7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। 69,000 शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रह गए पदों पर चौथे चरण की काउंसलिंग कराए जाने की मांग को लेकर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने सांसद लल्लू सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी सुनील कुमार तिवारी व आलोक कुमार पांडे ने सांसद लल्लू सिंह को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि तृतीय चरण की काउंसलिंग के बाद विभिन्न कारणों से 1,000 पद रिक्त हैं, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णक प्राप्त लगभग 70,000 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध हैं। इसलिए अगली चयन जिला आवंटन सूची का जारी किया जाना हम बेरोजगारों के लिए अति आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मिशन रोजगार का सम्मान करते हुए चतुर्थ चयन जिला आवंटन सूची जारी की जाए। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों से भी मुलाकात कर मांग की गई है, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। उनका कहना है कि अब हमें लगता है कि उनका आश्वासन धरातल पर उतरता ही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर मिशन रोजगार के तहत भर्ती की जाए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। 4,000 शिक्षक भर्ती की जो तृतीय चरण की काउंसलिंग हुई है उसमें लगभग 1,000 पद खाली है। जो डाटा हम लोगों को जन सूचना अधिकार के तहत RTI के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मिशन रोजगार के तहत उस 1,000 पदों पर जो अवशेष बच्चे प्रतीक्षा सूची में हैं उनको नियुक्ति दी जाए और उनको बेसिक में सेवा करने का अवसर दिया जाए। आप लोग कभी मंत्री जी से मिले इस मामले को लेकर? हम और आलोक पांडे जी लगभग 4 बार जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन देते हैं कि आप लोग पेपर में देखते रहिए, आपको सूचना दी जाएगी। और हम लोग कई बार लगभग 10 से 15 बार सचिव, DG मैम, सभी लोगों से, बेसिक शिक्षा के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन लोगों को तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है वो अब हमको धरातल पर नहीं दिख रहा है। हम निवेदन करते हैं कि आप किसी तरीके से भी अब हम लोगों को नियुक्ति दी जाए और जो पद खाली है उस पर। सुशील ज्ञापन दिया है, किन मामलों को लेकर के ज्ञापन दिया और क्या मांग? 69,000 भर्ती के तृतीय काउंसलिंग के पश्चात अभी लगभग 1,000 पद रिक्त हैं, जिस पर हम लोग चौथी सूची जारी करवाना चाहते हैं और यह अपनी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए हमने माननीय सांसद जी को अपना ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने लेटर बना के दिया और कहा आपकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि अभी भी 1,000 पद रिक्त है जिसकी सूचना हम लोगों ने जनसूचना के माध्यम से एकत्रित कर लिया है। हर जिलों से डाटा हम लोगों के पास आ गया है और हम माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जो 69,000 में 1,000 पद रिक्त है उस पर चौथी सूची जारी करके हम सबको भी बेसिक शिक्षा में सेवा का अवसर दें, क्योंकि तृतीय काउंसलिंग वालों का विद्यालय आवंटन अभी नहीं हुआ है लेकिन उनका वेतन निर्गत कर दिया गया है, इसलिए अब उनके इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथी सूची के लिए रिक्तियों की संख्या भी माननीय सचिव के द्वारा मांग ली गई है। अब चौथी सूची जारी करके हम सबको भी सेवा का अवसर दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम आलोक कुमार पांडे।